गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम ME 206 में थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज ब्रेक्स। अब ब्रेक्स का बेसिक फंक्शन सबको पता है कि व्हीकल को स्टॉप करना एट डिजायर ऑफ ड्राइवर, यानी जब ड्राइवर चाहता है, जब ड्राइवर को रिक्वायरमेंट है उस टाइम वो अपने व्हीकल को स्टॉप कर सके। टेक्निकली देखें तो ब्रेक की क्या डेफिनेशन रहेगी, व्हीकल ब्रेक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल विद इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। जो व्हीकल को स्टॉप तो करना है बट इसके साथ कंडीशन क्या है, विद इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, यानी जो गैप है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जब आप ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं एंड जब वो ब्रेक्स आपके इफेक्टिवली वर्क कर रहे उसमें आपके डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस में वो व्हीकल आपका स्टॉप होना चाहिए। तो जो ब्रेक सिस्टम है पूरा वो बहुत ही वाइटल रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस में, पूरे आपके व्हीकल के फंक्शंस में। बिकॉज जो आपका कंट्रोलिंग पैरामीटर है, जो व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कौन कौन से है, फर्स्ट आपका स्टीयरिंग सिस्टम एंड देन आपका ब्रेकिंग सिस्टम। अगर ये दो इफेक्टिवली वर्क करेंगे तो आप व्हीकल को किसी भी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। This is done by converting the kinetic energy of the vehicle into the heat energy which is dissipated into the atmosphere. अब जब ये function हो रहा है, यानी जब हम brakes apply कर रहे हैं तो brakes जो wheel है वो क्यों stop हो रहा है, wheel जब rotate कर रहे हैं तब इसमें क्या है आपकी kinetic energy। अब जब इसको stop कर रहे हैं यानी kinetic energy उसकी उस time zero हो जाएगी, तो energy तो zero नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी के एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्टर्ब्ड, तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो वो कौन सी एनर्जी होगी, आपकी हीट एनर्जी। तो जो आपका व्हीकल मूव कर रहा है जैसे ही वो स्टॉप होगा तो काइनेटिक एनर्जी आपके हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और जो व्हील है आपका वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब वो जो व्हील है अपनी वो हीट कंटिन्यूसली क्या करेगा, कहाँ डिसिपेट करेगा, अपने एटमोसफियर में, और वो कूल होता रहेगा। अब ब्रेकिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, द ब्रेक्स मस्ट बी स्ट्रांग इनफ टू स्टॉप द व्हीकल विद इन अ मिनिमम डिस्टेंस इन एन एमरजेंसी एंड द व्हीकल मस्ट नॉट स्किड। अब ब्रेकिंग सिस्टम ये क्या रिक्वायरमेंट है कि जो ब्रेक है वो आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि व्हीकल को मिनिमम डिस्टेंस में स्टॉप करे एमरजेंसी केस में, एंड व्हीकल मस्ट नॉट स्किड, और जो व्हीकल है आपका वो स्किड नहीं करना चाहिए, यानी ब्रेक लगाते टाइम व्हीकल जो है वो स्लिप नहीं होना चाहिए। द ब्रेक्स मस्ट हैव गुड एंटी फैट करेक्टरिस्टिक्स, दिस रिक्वायरमेंट डिमांड्स दैट द कूलिंग ऑफ द ब्रेक्स शुड बी वेरी एफिशिएंट। एंटी फैट करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो कंटिन्यूसली जब हम ब्रेक्स को यूज में लेते हैं तो विद टाइम इसकी क्या होती है, इफेक्टिवनेस धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी उसको हम टेक्निकली टर्म में कहते हैं कि ब्रेक्स आपके फैड होना स्टार्ट हो जाता है, फैडिंग ऑफ ब्रेक्स। उसको स्टॉप करने के लिए आपके क्या होना चाहिए, जो ब्रेक मटेरियल है सारे जो ब्रेकिंग सिस्टम के, वो इतने अच्छे होने चाहिए, पूरा ब्रेकिंग सिस्टम आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि वो ईजीली टाइम के साथ फैड नहीं हो। तो गुड एंटी फैड करेक्टरिस्टिक्स उसकी होनी चाहिए। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो कूलिंग ऑफ ब्रेक्स है वो प्रॉपर होने चाहिए, यानी ब्रेक्स जब आपके फंक्शन में आएंगे तब वो पार्ट आपका गर्म होगा, तो उसकी जो टाइम टू टाइम जो कूलिंग है वो इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए ताकि आपके ब्रेक्स लंबे टाइम तक काम में आ सके। फेडिंग ऑफ ब्रेक्स वही हो गया, विथ प्रोलॉन्ग्ड एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द देयर इफेक्टिवनेस डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड फेडिंग ऑफ ब्रेक्स। जो ब्रेक की इफेक्टिवनेस टाइम के साथ कंटिन्यूस यूज लेने से कम हो जाती है उसको क्या कहते हैं, फेडिंग ऑफ ब्रेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड ब्रेकिंग सिस्टम। अब एक ब्रेकिंग सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, द ब्रेक शुड स्टॉप द व्हीकल विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस। ब्रेक जो है वो जो ब्रेक्स है वो व्हीकल को रीजनेबल या मिनिमम डिस्टेंस में स्टॉप करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है द ब्रेकिंग सिस्टम शुड बी वेरी रिलायबल टू प्रमोट हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी ऑन द रोड। जो ब्रेक सिस्टम है वो आपका रिलायबल होना चाहिए, यानी जिस पे आपका ड्राइवर ट्रस्ट कर सके कि किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में वो व्हीकल को कंट्रोल कर सके, उसको रोक सके अपनी सेफ्टी के लिए और व्हीकल की सेफ्टी के लिए।
द ब्रेकिंग सिस्टम शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय वाटर, हीट, रोड ग्रिट और डस्ट. जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर अप डाउन होगा तो आपके ब्रेक्स इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे. अगर टेम्परेचर आपका बहुत डाउन हो गया और आपके ब्रेक्स काम नहीं कर रहे तो ऐसे वेदर में आपका जो व्हीकल की सेफ्टी है वो कम हो जाएगी. इसलिए अगर व्हील पे अगर जैसे आपके वहाँ पे वाटर आ गया यानी बारिश हो रही है, ज़्यादा गर्मी हो रही है, हीट हो रही है, अगर रोड पे ज़्यादा डस्ट है, तो इस सब चीज़ों से आपका ब्रेकिंग सिस्टम अफेक्ट नहीं होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट है, ब्रेक शुड वर्क इक्वली गुड इन ऑल वेदर्स. क्लियर, सारे वेदर्स में इक्वली वर्क करना चाहिए. द वियर एंड टीयर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्रेक लाइनिंग शुड बी मिनिमम फॉर इट्स लॉन्गर लाइफ. अब जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ब्रेक सिस्टम, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या होता है, कुछ ब्रेक शो होता है, ब्रेक लाइनिंग होती है, यानी कुछ मटेरियल की उस पर लाइनिंग की जाती है. तो जब ब्रेक ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तब हम उस लाइनिंग को क्या कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो इसका जो ब्रेक लाइनिंग का जो मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए कि वो ईजीली ख़राब नहीं हो, ईजीली वियर एंड टीयर नहीं आए उसमें. ड्यू टू द रबिंग एक्शन ऑफ द ब्रेक शूज अलॉन्ग विथ लाइनिंग अगेंस्ट ड्रम, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन. द ब्रेक डिजाइन सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ डेसिपेटिंग दिस हीट वेरी क्विकली. अब जब हम ड्रम ब्रेक्स की बात करेंगे तब पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है, आपके अंदर ब्रेक शू होते हैं, ठीक है. ये ब्रेक शू के ऊपर ब्रेक लाइनिंग की हुई होती है. ये जब ब्रेक शू इससे व्हील से अटैच होते हैं तब आपका व्हील क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. तो जब ये अटैच होगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रबिंग होगा, यानी घर्षण आएगा, फ्रिक्शन होगा. उस वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ हीट जनरेट होगी. तो वो जो हीट जनरेट हो रही, तो आपका ब्रेक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो हीट को ईजीली एटमोसफियर में वो डेसिपेट कर दे, ताकि वो वहाँ तक सीमित होकर नहीं रहे हीट और ज़्यादा गर्म आपके नहीं हो ब्रेक्स. ऑल द कंपोनेंट्स एंड लीवर्स ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द मैकेनिकल स्ट्रेसेस. जो ब्रेकिंग सिस्टम में जितने भी लीवर्स, कंपोनेंट्स, मैकेनिकल पार्ट्स लग रहे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो मैकेनिकल स्ट्रेस को, अगर उस पर कोई स्ट्रेस आ रहा है, कोई स्ट्रेन विकृति आ रही है, तो उसको वो एनकाउंटर कर सके. गुड टायर्स आर अ प्राइम एसेंशियल फॉर एफिशिएंट ब्रेकिंग. अब ब्रेक्स एफिशिएंटली अच्छे से वर्क करे उसके लिए आपका जो ब्रेक्स जहाँ लग रहे व्हील उसके ऊपर जो टायर है वो भी आपके अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स, यानी ब्रेक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो ये कुछ 5 पैरामीटर्स है, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पर्पज, यानी ब्रेक का पर्पज क्या है. वैसे तो ब्रेक का पर्पज आपका यही होता है कि व्हीकल को रोकना, पर किस कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग है. फर्स्ट है आपका प्राइमरी ब्रेक या सर्विस ब्रेक, एंड देन सेकेंड इज सेकेंडरी ब्रेक और पार्किंग ब्रेक. तो प्राइमरी ब्रेक या सर्विस ब्रेक क्या होंगे, जो ड्राइवर नॉर्मली जो ब्रेक ऑपरेट करते हैं, ठीक है, जो फुट के मूवमेंट से जो ब्रेक आप ड्राइवर ऑपरेट करता है वो आपका प्राइमरी ब्रेक कहलाता है. सेकेंडरी ब्रेक क्या होता है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में हैंड ब्रेक भी कह सकते हैं. तो जो हैंड ब्रेक होता है उसको हम पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं और सेकेंडरी ब्रेक भी कहते हैं. ये जनरली आपके इमरजेंसी केस में भी काम आते हैं, यानी अगर सपोज आपका व्हीकल कहीं स्लोप पे जा रहा है, ठीक है, कहीं हाइट पे जा रहा है या किसी ब्रिज के ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर आपके प्राइमरी ब्रेक फंक्शन इतने इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे. आपको वहाँ पर अगर स्लोप के ऊपर रोकना है व्हीकल को तो आपको हैंड ब्रेक यूज में लेना पड़ेगा. इसको अगर कहीं पार्क करना है तो भी आपको हैंड ब्रेक, इसके ये आपका पूरा क्या होता है, मैकेनिकल सिस्टम पे वर्क करता है. तो ये हैंड ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपका व्हीकल बिल्कुल भी मूव नहीं होगा, तो इसलिए इसको हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं. सेकंड है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ ब्रेक्स, यानी ब्रेक्स आपके व्हीकल में कहाँ लगे हुए हैं. तो अभी जितने भी व्हीकल्स हैं सब में ब्रेक्स कहाँ होते हैं, आपके व्हील्स के ऊपर. कुछ पुराने व्हीकल्स में जो ब्रेक की लोकेशन होती थी वो ट्रांसमिशन पर भी होती थी. ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टायर्स, उसके अकॉर्डिंग है ड्रम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक. ये दोनों आपके डिटेल में कोर्स में है, इसको हम आगे पढ़ेंगे.
एक में ड्रम होगा, ब्रेक ड्रम, और एक में क्या लगी हुई होगी, डिस्क, उसको कहेंगे डिस्क ब्रेक। फोर्थ पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैथड ऑफ एक्चुएशन। एक्चुएशन मीन्स किस मेथड से वो ब्रेक आपका वर्क कर रहा है। अगर उसमें सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए हैं, यानी लीवर, लिंकेज, ये सब लगे हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ओनली मैकेनिकल ब्रेक्स। अभी जो व्हीकल्स में आते हैं वो सारे आपके क्या आते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बहुत सारे एडवांटेज है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल ब्रेक्स। फर्स्ट जो है इसका क्या होता है, जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपका हाई होता है। मीन्स जो ड्राइवर है, ड्राइवर को इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा जितना उसके व्हील तक चाहिए, यानी जितना एफर्ट ड्राइवर लगाएगा उसका कुछ गुना बढ़कर एफर्ट आपका कहाँ पे अप्लाई होगा, व्हील पे, जहाँ पर आपको व्हील को रोकना, ब्रेक्स के ऊपर। तो ड्राइवर का एफर्ट इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है और मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाता है। थर्ड है आपका इलेक्ट्रिक ब्रेक, जिसमें इलेक्ट्रिक डिवाइस भी लगी होगी ब्रेक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, वो इलेक्ट्रिक ब्रेक। जो वैक्यूम से ऑपरेट होंगे वो वैक्यूम ब्रेक, एंड जिसमें कंप्रेस्ड एयर से जो वर्क करेंगे वो हो जाएंगे आपके एयर ब्रेक्स। लास्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा ब्रेकिंग एफर्ट। उसके अकॉर्डिंग है आपके, फर्स्ट है सर्वो ब्रेक्स और पावर असिस्टेड ब्रेक्स, एंड सेकेंड इज पावर ब्रेक्स और पावर ऑपरेटेड ब्रेक्स। अब पावर ब्रेक्स क्या होता है, जो हम जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम यूज में लेके, पूरा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें आपको पावर ज़्यादा मिलती है। मीन्स जो भी ड्राइवर है उसका एफर्ट आपका कम हो जाता है और व्हील पर आपको एक्स्ट्रा पावर मिल रही है, तो वो आपके पावर ब्रेक कहलाते हैं। सर्वो ब्रेक में कुछ आपका इलेक्ट्रिकल का भी इनपुट आ जाता है वैक्यूम के, तो वो मिलके क्या कहलाता है आपका, सर्वो ब्रेक, यानी वो क्या होगा, पावर असिस्टेड ब्रेक। इसको आप डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। तो अब मैकेनिकल ब्रेक्स कितने टाइप्स के होते हैं, द ब्रेक्स विच आर ऑपरेटेड मैकेनिकली मीन्स ऑफ लीवर्स, लिंकेज, पैडल्स, कैम्स, बेल क्रैंक लीवर आर नोन एज मैकेनिकल ब्रेक्स। जितने भी ब्रेक्स है जिसमें ओनली आपके मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए, मैकेनिकल पार्ट्स जो मेन आपके होते हैं, जिसमें लिंकेज हो, लीवर्स हो, कैम्स हो, पैडल, बेल क्रैंक लीवर, ये सारी जो चीज़ें लगी हुई होगी, वायरिंग सिस्टम, तो ये सब मिला के जो सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स से जो बनेगा वो आपके कहलाता है मैकेनिकल ब्रेक्स। इसके कुछ डिसएडवांटेज थे कि जिसमें ड्राइवर को एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता था, क्योंकि इसमें पावर को इंक्रीज करने का, उसको बढ़ाने का कोई जरिया नहीं था। जितना ड्राइवर एफर्ट लगाएगा उतना ही वो एफर्ट आगे तक सप्लाई होगा। तो मैकेनिकल ब्रेक्स जनरली तीन टाइप्स के होते हैं, ड्रम ब्रेक, ड्रम ब्रेक का दूसरा नाम इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक भी है, सेकंड है आपका डिस्क ब्रेक, एंड थर्ड है हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक। तो ड्रम ब्रेक को इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ब्रेक शो होते हैं वो एक्सपांड होते हैं, जो इंटरनली जो ब्रेक शो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं बाहर की तरफ। हैंड ब्रेक एंड पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक का दूसरा नाम क्या है, अभी आपको जैसे बताया, पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं इसको, ये पूरा मैकेनिकली सिस्टम पर ही काम करता है। तो जो आपके डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक है ये हाइड्रोलिकली भी ऑपरेटेड हो सकते हैं, बट जो हैंड ब्रेक है वो ओनली आपका मैकेनिकली ऑपरेटेड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन तीन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।